नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आप में से बहुत से लोगों द्वारा बार बार कमेंट करके एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि एमएड प्रवेश परीक्षा कब होगी या फिर अन्य विषयों की प्रवेश परीक्षाएं कब होंगी। तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है और इस प्रवेश परीक्षा में जो अभ्यर्थियों के अंक आते हैं उसके आधार पर या तो अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाती है या फिर उनको रैंक प्रदान की जाती है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर इस मेरिट या रैंक में अभ्यर्थियों के एकेडमिक स्कोर और कुछ वेटेज अंक भी जोड़े जाते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस संबंध में नियम अलग अलग हैं। मोस्टली जितने भी विद्यालय हैं वहां पर एमएड प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं और उसी के आधार पर एडमिशन होता है। अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके संबंध में फॉर्म आ जाते हैं और मई और जून माह में अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करा ली जाती हैं। परंतु आप लोगों को जैसा पता है कि इस बार कोरोना के संक्रमण के कारण कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा देर से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। कुछ विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं उन्होंने अपने यहाँ पर अभी तक आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं की है। तो जिन विश्वविद्यालयों के फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं और फॉर्म भरे हुए काफी समय हो गया है, ऐसे विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं अब होनी प्रारंभ होने वाली हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वह अगस्त माह के अंत में प्रारंभ हो जाएंगी और जो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी प्रवेश परीक्षाएं सितंबर माह में होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अपने नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि यदि सितंबर माह में उनके द्वारा परीक्षा कराया जाना संभव नहीं होगा तो फिर अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के फॉर्म काफी समय पहले भरे जा चुके हैं और ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा शीघ्र ही प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। कुछ विश्वविद्यालयों में अगस्त माह के अंत में प्रवेश परीक्षाएं हो सकती हैं और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें सितंबर माह में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। इसके बाद भी यदि कोई विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा नहीं करा पाता है तो वह विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकता है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एक बात मोस्टली मेंशन की गई होती है कि यदि जिस विषय में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन करने वालों की संख्या 2 गुने से कम होगी तो उस विषय का एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाता है और विशेष परिस्थितियों में यदि कोरोना का संक्रमण काफी अधिक मात्रा में फैल जाता है और प्रवेश परीक्षाएं कराना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकता है। मोस्टली तो अब ये संभावना लग रही है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों की एमएड प्रवेश परीक्षाएं और अन्य विषयों की प्रवेश परीक्षाएं अगस्त माह के अंत में या सितंबर माह में हो ही जाएंगी, परंतु ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जैसा आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा अपने नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा उसी के आधार पर आपको अपना कार्य करना है। तो आप लोग ये मानकर चलें कि आने वाले समय में प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं और उसी के आधार पर आप तैयारी करते रहें। तो यदि आपके विश्वविद्यालय द्वारा एमएड प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाती है और आप लोगों को मेरिट के बेस पर एडमिशन दिया जाता है तो आपने जो यहां पर एमएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी की होगी कि वह आपकी नेट पास करने में काफी मदद करेगी, तो इसलिए इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते रहें। जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए जिस विश्वविद्यालय से आपने एडमिशन लेने के लिए आवेदन किया है उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट का कम से कम 1 सप्ताह में एक बार अवलोकन अवश्य करते रहें। यदि इस संबंध में हमें भी सूचना प्राप्त होती है तो हम भी वीडियो लाने का अवश्य प्रयास करेंगे और यदि वीडियो ना बना पाए तो इस संबंध में अपने कम्युनिटी टैब में अवश्य पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर भी आप लोग अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।